असलम गाइस, एक और वीडियो में खुश आमदेद। आज हम एक बड़ी स्पेशल वीडियो आज की, और हम बेसिकली ओबीडी2 डिवाइस यूज़ करेंगे इसके लिए। और ये वीडियो है, हम आपकी हाइब्रिड बैटरी स्कैन करेंगे। एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड में आती है, उसका नाम है टॉर्क। एक एप्लीकेशन आती है टॉर्क लाइट और एक आती है टॉर्क प्रो। टॉर्क लाइट में मिनिमम फीचर्स हैं, और जो टॉर्क प्रो है वो पेड ऐप है, 520-540 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। वो इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें ना हम लोगों ने बेसिकली पैरामीटर आईडीज लोड करने होते हैं स्पेसिफिक कार्स के। प्रियस सी के पैरामीटर्स आईडी तो नहीं है, लेकिन हम प्रियस के पैरामीटर्स आईडी यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन, अभी आपको दिखाता हूँ मैं फ़ोन के ऊपर। स्टेप वन है अपनी ओबीडी2 डिवाइस लगाएं। अगला स्टेप है फिर आपने अपनी टॉर्क एप्लीकेशन खोलनी है। ये टॉर्क प्रो है, टॉर्क प्रो अंदर से ऐसी है एप्लीकेशन, देख लें। इसे मैंने ऑलरेडी एक बनाया है प्रोफाइल टोयोटा एक्वा की। नेक्स्ट स्टेप है आपने अपनी कार स्टार्ट करनी है। जब आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी तो ये कनेक्ट आ जाएगा, इस पर ये बता भी देगा आपको अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन की हुई है तो। उसके बाद आपने रियल टाइम इंफॉर्मेशन में जाना है, तो आपने रियल टाइम इंफॉर्मेशन में जाना है। फिर इस एरिया को आप स्किप करके आगे चले जाएं। मैंने कस्टम पीआईडीज लोड किए हैं, मैं पैरामीटर आईडीज आगे वो आपको दिखा दूंगा किसी और वीडियो में किस तरह। ये अब आ रहे हैं आपका, आपकी जो बैटरी जो बैक है उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक हैं। ये आपकी बैटरी पैक्स यहाँ तक शो होएगा। हर बैटरी जो बैक है छोटा जो आपका मॉड्यूल लगा हुआ है उसका ये वोल्टेज शो कर रहा है। टोयोटा एक्वा में बेसिकली टोटल होते हैं 20, तो एक जो एक पॉइंट है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 10 है। और जो आपकी जो बड़ी प्रियस होती है उसके 28 होते हैं, तो ये नीचे 14 तक। ये मैंने प्रियस के लिए बेसिकली लोड किया हुआ है क्योंकि टोयोटा एक्वा का सेपरेट है नहीं, लेकिन ये काम कर रहा था इसके ऊपर भी। अभी देख लें इसका वोल्टेज जो है 15.5 यहाँ पे शो कर रहा है, और ये कनेक्टेड है इस टाइम पे। आप इसको टेस्ट करने के लिए मैं ये आपका पीछे एसी है इसको ऑन कर देता हूँ। इसका वोल्टेज चेक करना, मूव करेगा। एसी को लो पे रखा हुआ है, फैन स्पीड फुल कर देते हैं। ये जो नीडल्स मूव कर रही हैं आप नोटिस करें कौन सी हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। डेल्टा स्टेट ऑफ चार्ज जो आ रहा है इसका, ये मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। ये ठीक है बिल्कुल उस टाइम पे। ये बैटरी ब्लॉक लिखा हुआ है यहाँ पे, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू, बैटरी ब्लॉक वोल्टेज। फिर ये इंजन रेव्स हैं, अभी पेट्रोल इंजन में गाड़ी स्विच नहीं की तो ये शो नहीं कर रहा। ये हर एक बैटरी पे वोल्टेज शो कर रहा है, अब देखिए वोल्टेज डाउन हो रहा है क्योंकि बैटरी आपकी डिप्लीट हो रही है इस टाइम पे। अभी पेट्रोल इंजन में गाड़ी स्विच नहीं की, और ये आपका जो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक मिनिमम एंड ब्लॉक मैक्सिमम, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये है चार्ज कंट्रोल और ये है डिस्चार्ज कंट्रोल। अभी गाड़ी को पेट्रोल इंजन में स्विच करने दे रहा हूँ। वोल्टेज आप देख लें ज़रा, इन सब की वोल्टेज जो है ना 15 से ऊपर होनी चाहिए। जब गाड़ी चार्ज कर रही होती है तो 15 से ऊपर होनी चाहिए। अभी इस पे लोड है, अब पेट्रोल इंजन ऑन हो गया, पेट्रोल इंजन ऑन हो गया, एसी स्लो कर देता हूँ क्योंकि मैं एसी ऑफ कर देता हूँ। अब देखें इसकी वोल्टेजेस क्लाइम करेंगी थोड़ी सी, 15 पे चलेगी, ये बैटरी चार्ज हो रही है अब।
इन नीडल्स को भी आप चेक करें। और आरपीएम भी चेक करें आप, आरपीएम भी अभी इस टाइम 1300 पे है। एसी भी ऑन है इसलिए। तो आपकी वैल्यू अब 16 पे चलेगी एकदम से। इसका मतलब है कि आपकी बैटरी जो आपके जो जो 10 यूनिट्स है बैटरी के, आपके जो 10 आपके मॉड्यूल्स लगे हुए हैं या बैक्स लगे हुए हैं छोटे छोटे बैटरी के अंदर ही फिट हुए हैं, आपकी बैटरी ठीक है। अगर इनकी वोल्टेज नीचे होती है, मतलब कि अगर इसकी वोल्टेज होती है फॉर एग्जांपल 8, 12, 13, तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी ठीक नहीं है, आप गाड़ी वापस ईवी पे स्विच कर गई है, बैटरी बैक ऑन ईवी, रेव्स भी आपकी ख़त्म हो गए, इंजन रेव नहीं कर रहा, आप आपका इलेक्ट्रिक इंजन में गाड़ी स्विच कर गई है। आइए देख लें इसका, एसी नहीं चल रहा लेकिन फ़ैन चल रहा है, तो आराम आराम से इसको ड्रेन कर रही है बैटरी। अगर मैं एसी ऑन करता हूँ फिर से तो उसको ड्रेन जल्दी करेगा, देखना अभी 16.1 हो गया, 16.0 ड्रॉप होता जाएगा वोल्टेज जल्दी, 15.9 हो गए यहाँ पे, इधर 15.9, 15.9, आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपकी बैटरी की वोल्टेज जो है, बैटरी का वोल्टेज है वो 16-17 तक जा रहा है, दैट मीन योर बैटरी इज फाइन, यू कैन चेक योर बैटरी लाइक दिस। और पी आई डी लोड करने का मैं तरीका बता दूंगा, ये बेसिकली यूट्यूब पे एक वीडियो है, मैंने उसको देख के ये वीडियो बनाई है, ये देख लें उसमें क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, इनके अंदर ही लिखा हुआ है हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे और लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू इस पे 17 आ रही है, लोएस्ट वैल्यू से 14 आ रही है, ये इस पे हाईएस्ट वैल्यू 17 है, लोएस्ट वैल्यू 13.9 है, हाईएस्ट 17 है, लोएस्ट 13.7 है। ये बेसिकली आपको ना साथ कैलकुलेट करता रहेगा, बताता रहेगा, और ये बहुत यूजफुल ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से 520-540 रुपीज़ से ख़रीद सकते हैं। और गाइज ये थी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।